तमिलनाडु में चेन्नई से 46 किलोमीटर दूर कवराई पेट्टई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उसमें 19 लोग घायल हुए। हादसा 11 अक्टूबर की रात 8:30 बजे हुआ था, जब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन में कुल 1360 पैसेंजर्स थे। दक्षिणी रेलवे ने बताया कि रात 8:27 पर पोन्नेवी स्टेशन क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। कवराई पेट्टई रेलवे स्टेशन में पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर का झटका लगा। इसके बाद ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। इसी लूप लाइन पर पहले मालगाड़ी खड़ी थी, बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई। एक्सीडेंट में 12 से 13 कोच डिबेल हुए, एक कोच और पार्सल वैन में आग लग गई।